महिंद्रा बोलते हैं कि उनकी स्कॉर्पियो एन है बिग डैडी ऑफ ऑल एसयूवीज, बट वी ऑल नो कि रियल बिग डैडी ऑफ एसयूवीज कौन है, द वन एंड ओनली एस्प्रेसो। कैसा लगा मेरा मजाक? तो जो कार बिग डैडी ऑफ एसयूवीज का टैग डिजर्व करती है वो है टोयोटा की एलसी यानी लैंड क्रूजर, जिस कार में आपको रोड प्रेजेंस, ऑफ रोड कैपेबिलिटीज, पावर, लग्जरी और रिलायबिलिटी सब कुछ टॉप नॉच मिलता है इसके प्राइस की तरह, जो इंडिया में 1.5 करोड़ का है। पर अब महिंद्रा ने स्कॉर्पियो एन को बिग डैडी बोल ही दिया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना लैंड क्रूजर के प्रीवियस जनरेशन से कुछ एलिमेंट्स कॉपी करके अगर स्कॉर्पियो एन पे पेस्ट किए जाएं तो क्या प्रोडक्ट बाहर आएगा। अगर आप स्कॉर्पियो को देखते हो तो ये बस एक कार नहीं है, ये पूरा एक ब्रांड नेम बन गया है जिसका फैन बेस बहुत ज्यादा बड़ा है। कुछ टाइम पहले महिंद्रा ने उनकी जो स्कॉर्पियो क्लासिक है वो थोड़ी इम्प्रूव की थी, उसका प्राइस भी अच्छा खासा रिड्यूस कर दिया था, पर जो पहले स्कॉर्पियो आती थी उसके प्राइस के अराउंड आपको उससे बेटर ऑप्शंस मिल जाते थे, जैसे क्रेटा, सेल्टोस, कुशाक, टाइगन वगैरह, जिनमें आपको स्कॉर्पियो से अच्छी हैंडलिंग मिलती है, उससे ज्यादा लग्जरियस इंटीरियर मिलता है, उससे अच्छी सेफ्टी मिलती है, उससे ज्यादा फीचर्स मिलते हैं, पर फिर भी उसके जैसा फैन बेस बाकी किसी कार के पास नहीं है। बस इस बात का डर है कहीं वो फैंस इस वीडियो के नीचे ये ना कमेंट कर दे, ये जो प्रोडक्ट है ना, मतलब इससे वाहियात प्रोडक्ट मैंने जिंदगी में ना देखा है, ना मैं देखना चाहता हूँ, मेरे को भगवान उठा ले, इतना गंदा प्रोडक्ट है, इसके बाद मैं कुछ नहीं देखना चाहता लाइफ में। तो बहुत बातें हो गई, अब सीधा स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले मैंने जो एलसी की ग्रिल है उसमें जो ऊपर और नीचे क्रोम का पार्ट आता है मैंने वो उठाया और स्कॉर्पियो एन पे लगा दिया, और जो ग्रिल है वो भी सेम वैसी वाली उठा के लगा दी जैसे आपको एलसी में मिलती है। फिर जो स्कॉर्पियो एन की लाइट्स हैं मैंने उन्हें उठाया, उनकी हाइट थोड़ी रिड्यूस की और उनकी पोजीशनिंग थोड़ी ऊपर कर दी। फिर सेम वही चीज़ मैंने फॉग लैंप्स के साथ की, उनकी पोजीशनिंग थोड़ी ऊपर कर दी, सिमिलर टू लैंड क्रूजर। उसके बाद मैंने बम्पर में थोड़ी अल्ट्रेशंस और एडजस्टमेंट्स की, ये करने के बाद मैंने DRLs बनाए जो कि एक स्कॉर्पियन के स्टिंग जैसे हैं। फिर मैंने लैंड क्रूजर के फॉग लैंप्स उठा के इसमें लगा दिए जो कुछ ऐसे दिख रहे हैं। फिर दोबारा बम्पर में कुछ चेंजेस किए, फिर मैंने ये ग्रिल चेंज की क्योंकि इस ग्रिल के साथ ये बिल्कुल एलसी जैसी लगती है। फिर इसके बाद कुछ हाईलाइट्स और शेडोज ऐड करके, महिंद्रा का लोगो ऐड करके फिनिश किया ये रेंडर जो अब मेरे पास है। अगर आपको देखना है तो लाइक करो ये वीडियो। ये रहा फाइनल रेंडर, कमेंट्स में बताओ आपको कैसा लगा। और मैं सोच रहा हूँ कि जो स्कॉर्पियो एन का रियर है वो बहुत लोगों को पसंद नहीं है, तो नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाई जाए। आप कमेंट्स में बताओ आपको चाहिए या नहीं। फॉर नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस।